नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल शार्प एक्स वाई जेड में। गाइस, क्या है कि अब एक ही साइकिल को हो गया 1 साल और हमने करीबन जुलाई के महीने में साइकिल बुक करवाई थी डीकैथलॉन से। तो करीबन 2 सर्विस देता है डीकैथलॉन, उसमें हमने एक तो करवा ली थी, एक अभी बाकी है, तो उसके लिए आज हम आए हुए थे। तो अब चलते हैं स्टोर के अंदर और साइकिल को देते हैं। जब तक सर्विस होगी साइकिल की, तब तक हम स्टोर घूमेंगे और स्टोर में देखेंगे कि इस समय कौन कौन सी नई साइकिल आई हुई है और किसका क्या प्राइस है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। सो गाइस, हमने अपनी साइकिल तो दे दी है सर्विस करने के लिए। आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ पे अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं, आप देख सकते हैं पंचर के यहाँ पे 50 रुपये लेते हैं और ट्यूब चेंज के भी 50 रुपये, ब्रेक के 50 रुपये। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दी हुई हैं, आप यहाँ पे इनका सर्विस करवा सकते हैं यहाँ पे आके। पर आपको बताना चाहेंगे कि शुरुआत में जो सर्विस होती है 6 मंथ की, वो फ्री कर देते हैं। इसके बाद अगर आप करवाते हैं, ट्यून अप करवाते हो, तो 300 रुपये स्टैंडर्ड सर्विस के हैं, 500 रुपये, और प्रीमियम के हैं 1000, और अल्टीमेट के हैं 1500 रुपये की सर्विस। बहुत अच्छी सर्विस करके देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के स्कूटर के सर्विस, जो 50-50 रुपये लगा रखे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करके। सो गाइस, जब हम स्टोर के अंदर गए तो बहुत सारी साइकिल लगी हुई थी। तो आप ये देखिए, दूर से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बच्चों की साइकिल्स हैं, बट ये बच्चों की साइकिल नहीं है। और यहाँ पे साइकिल से स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चों के स्कूटर हैं, और ये 26 इंच तक जाती है। आप देखिए 16 साल तक के लिए है, इसके बाद आप 10 ईयर, 8 ईयर, 5 ईयर, ये देखिए आप 10 इंच, 14 इंच, 16 और 26 इंच तक यहाँ पे साइकिल मिलती हैं। और ये देखिए, जिस दिन हम गए थे ना, उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने स्टोर का यहाँ पे घूमा है। यहाँ पे जब हमने साइकिल देखना शुरू करी तो बहुत सारी साइकिल आई हुई हैं। हमने यहाँ से 1 साल पहले साइकिल, जैसे आप इसी साइकिल को देख लीजिए, यहाँ पे 8 रुपये प्राइस पड़ा हुआ है। पर क्या है कि एसेसरीज यहाँ पे महंगी पड़ेंगी आपको। कोई भी आप कैरियर लगा लीजिए, पानी की बोतल ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ने वाली हैं। जैसे 8000 की साइकिल है, बेसिक साइकिल है विदाउट गियर, इसमें कोई भी गियर नहीं है। पर साइकिल की क्वालिटी आप बाहर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बेटर। वो देखिएगा इस ऊपर वाली पिंक कलर की जो है ना, वो साइकिल हमने खरीदी थी 1 साल पहले, ST30, जो कि 10,000 की थी उस समय भी और अभी भी है। पर क्या था कि हमने जब एसेसरीज लगवाई, उसमें पानी की बोतल है, रिंग है, लॉक है और आपका स्टैंड है, ये सब लगवाने के बाद ये अब 13,000 की पड़ी थी। और ये साइकिल देखिए, जो धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप जो अपना ज़्यादा स्पीड से चलाना चाह रहे हैं, तो ये अपनी है 13,000 की है, और विद एसेसरीज के बाद आपको 16-17 हज़ार रुपये की पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी अगर आप कंपेयर करें दूसरे साइकिल से तो बहुत अच्छी है। और ये फिर और भी रेंज की साइकिल हो जाती है। ये देखिए आप, 26,000 की साइकिल है ये दोनों। मुझे ऊपर वाली रेड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप बताइएगा कमेंट्स करके कि इसमें से आपको कौन सी अच्छी लग रही है। अगर मैं लेता हूँ तो मैं तो रेड वाली ही लूँगा। इसके बाद हम चलते हैं और आगे, तो ये है 25,000 की साइकिल है। दोनों के दोनों साइकिल बहुत मस्त लग रही हैं। मेन क्या फ़र्क आता है, हैंडल में फ़र्क आ जाता है, और काफ़ी सारी साइकिल में हैंडल काफ़ी दूर होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल था जिसे चलाने में उतना ही कंफर्टेबल होता है। ऊपर वाली 40,000 की, नीचे वाली 25,000 की है। तो जो 25,000 की है विद आपको एसेसरीज पड़ने वाली है करीबन 28,000 की, और भी महंगी, ये देखिए 60,000 की साइकिल है। तो ये उनके लिए गाइज कि जो डेली 15 से 20 किलोमीटर चलाते हैं तो आराम से अपना चला सकते हैं। काफ़ी स्पीड से चलने वाली साइकिल, जिसमें आपको ज़्यादा भी थकावट महसूस नहीं होगी। बट जो आपको 10,000 रुपये की साइकिल है, वो एक बेसिक साइकिल रहती है बच्चों के लिए, जो कि अपना कॉलोनियों में चला सकते हैं। सो अब चलते हैं इनके जो एसेसरीज हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं किसका कितना प्राइस है। आपको यहाँ पे सारी सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, बच्चों के स्कूटर्स, जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूटर्स मिल जाते हैं आपको, हेलमेट, रिंग, लाइट, हेडलाइट, टेल लाइट, पानी की बॉटल्स, आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। पर है क्या गाइस कि थोड़ा सा रेट महंगे हैं बाहर से कंपेयर करें, पर इन्होंने अपने साइकिल के हिसाब से
मैचिंग के कलर मंगवा रखे होते हैं। आपको जो भी आप कलर है साइकिल का, उस तरीके से यहाँ पे एक्सेसरीज खरीद सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लगने वाली है आपकी साइकिल। अब देखते हैं आगे और क्या है यहाँ पे। जैसे ये तो हेलमेट हो गए सारे, ये आपके फिर आप रिंग देखिए, मल्टीपल कलर की रिंग मिलेगी, 300 रुपये की है। लाइट्स हो गई जो कि 600 और 300 की हैं। इसके बाद ये देखिए आप, लॉक हो गए। इसके बाद ये आपकी की हो गई और आपके लाइट्स, यही लाइट्स अगर आप बाहर से मंगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आपको सस्ती पड़ सकती हैं। ये पानी के बॉटल्स हो गई और ये स्टैंड हो गए वाटर बॉटल्स के। तो चलिए गाइस, अब स्टोर में और भी आगे चलते हैं। यहाँ पे डिकैथलॉन मेनली आपको स्पोर्ट के आइटम जो भी चाहिए हो आपको सब कुछ मिल जाते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ से आपको जिम के आइटम स्टार्ट हो जाते हैं, रनिंग करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए डम्बर वगैरह हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आके प्रॉपर ट्राई करके और इनको परचेज कर सकते हैं। बट रेट भी यहाँ पे सही लगा रखे हैं, 60,000 65,000। तो ये तो गाइस उन लोगों के लिए जो अपने घर में मशीन रखना चाह रहे हैं बट कॉस्टली बहुत है, इससे अच्छा तो ये जिम ज्वाइन कर ली जाए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब ये देखिए, ये फुटबॉल्स हो गई, हम आ चुके हैं फुटबॉल सेक्शन में। और फुटबॉल सेक्शन में अभी आप देखिए कि काफ़ी अच्छी अच्छी फुटबॉल दी हुई हैं बट इनके रेट आपको वही लगने वाले हैं, बहुत महंगे, दो दो 3-3 हज़ार रुपये की फुटबॉल्स हैं यहाँ पे। आप देखिए सामने, अभी आपको रेट भी दिखाई देंगे। ये देखिए आपको 5,000 है एक फुटबॉल का प्राइस, और मतलब फुटबॉल के हिसाब से, बट आपको एक अप्रोक्सीमेट बता दिया, एक एवरेज अगर आप लोगे तो 3,000 3,500 से लेके 5,000 तक जाता है। और ये देखिए यहाँ पे बच्ची खेल रही है। तो ऑल ओवर गाइस हमने पूरा स्टोर घूम लिया, सारा का सारा यहाँ पे आपको खेलने की चीज़ें ही मिलने वाली हैं और मैक्सिमम साइकिल के आइटम्स हैं। तो अब गाइस क्या है कि हमने अपने साइकिल की सर्विस तुम्हारी हो गई, अब ये देखिए कि हम अपने साइकिल लेके अपनी बाहर आ गए हैं। पर क्या है कि इसमें काफ़ी खर्च आ गया, वही हम बता रहे थे कि सर्विस तो फ्री में हो गई है बट कुछ एक एक दो आइटम इसके ख़राब हो गए थे। ख़राब जो हम गियर अपना चेंज करते हैं तो गियर की जो रबड़ है ना, ये देखिए गियर की जो रबड़ है, ये वाला गियर, ये बीच नीचे से फट गया था। तो हम चाहते तो इसको फेविक्विक से भी चिपका सकते थे बट काम नहीं कर रहा था सही से। इसको चेंज करने के लिए उन्होंने 800 रुपीज़ हमसे ले लिए। तो गाइस सर्विस करवाने के बाद हम बाहर आ, तो गाइस काफ़ी देर के बाद, करीबन 1 घंटा लग गया, 1 घंटे में सर्विस अच्छे से कर दी उन्होंने, साइकिल पूरी साफ़ कर दी है। और साइकिल के नीचे एक गियर था, गियर के नीचे जो रबड़ लगी होती है वो फटा हुआ था, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया, करीब 800 रुपये के आसपास का पड़ा है। हमने अपना बिल करवाने के बाद बाहर आ चुके हैं और अब चलते हैं घर। पर गाइस स्टोर घूम के मज़ा आ गया, काफ़ी साइकिल आई हुई थी जो कि गाइस 28,000 50,000, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से साइकिल देखी हमने। सो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।